नाउ अगेन अनदर सी प्रोग्राम बेस्ड ऑन एरे डिलीट ऑपरेशन, लेकिन इस केस में एरे के अंदर कौन सा एलिमेंट डिलीट करना जस्ट आफ्टर गिवन। प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था हाउ टू डिलीटिंग फर्स्ट एलिमेंट और हाउ टू डिलीटिंग लास्ट एलिमेंट और हाउ टू डिलीटिंग गिवन एलिमेंट। इस केस में जस्ट डिलीट क्या कराना, गिवन और आफ्टर गिवन, आफ्टर गिवन। सपोज दैट अगर गिवन एलिमेंट 40 है, देन इस केस में डिलीट ऑपरेशन 40 के लिए अप्लाई होंगे, 40 के नेक्स्ट एलिमेंट के लिए, नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द 40, नेक्स्ट एलिमेंट क्या 50, तो इस केस में डिलीट किसको करा, 50 को। वन मोर थिंग्स, जैसे इस केस में 50 एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, देन इस केस में जस्ट परफॉर्म क्या हुआ, अप्लाइंग डेटा शिफ्ट ऑपरेशन। तो डेटा शिफ्ट ऑपरेशन डिलीटेड एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड के लिए परफॉर्म करा हुआ, राइट हैंड साइड ओनली, राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे एलिमेंट प्रॉपर प्लेस पर। जस्ट इस एलिमेंट के डिलीट होने के बाद प्लेस कंसीडर किया था हुआ एज अ एम्प्टी प्लेस। तो एरे के अंदर एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में कभी भी कोई एम्प्टी प्लेस नहीं होना चाहिए। जैसे एम्प्टी प्लेस को फिलअप करने के लिए जस्ट रिक्वायर्ड क्या, डेटा शिफ्टिंग ऑन द लेफ्ट साइड, सेम एज प्रीवियस एग्जाम्पल। क्लियर। वन मोर केस, सपोज अगर गिवन एलिमेंट क्या है, गिवन एलिमेंट इज 70, अगर 70 गिवन है, देन 70 के केस में गिवन तो फाउंड हो रहा है, लेकिन 70 के राइट में कोई एलिमेंट फाउंड हो रहा है क्या, नहीं। देन इस केस में डिलीट ऑपरेशंस पॉसिबल नहीं है। मीन्स किस केस में डिलीट ऑपरेशंस पॉसिबल नहीं है, जस्ट टू केस हैं। फर्स्ट केस क्या है, इस केस में सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस अगर आप अप्लाई करो तभी आपके लिए परफेक्ट प्रोग्राम बनाना पॉसिबल है, अदरवाइज कहीं ना कहीं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन फेल होने के चांसेस होंगे। जस्ट एनालिसिस क्या इस केस में, इसे सबसे पहले आप वो सारे केस डिस्कस करो जिस केस में डिलीट ऑपरेशन से अप्लाई करना पॉसिबल नहीं। जस्ट टू केस हैं, इफ एरे इज एम्प्टी, सपोज दैट एरे के अंदर ऑलमोस्ट आप सारे के सारे एलिमेंट ऑलरेडी डिलीट करा चुके हैं, उस केस में एरे का साइज क्या हो जाएगा, जस्ट जीरो। इससे एरे कैसा होगा, उस केस में लॉजिकली एम्प्टी, इफ एरे इज एम्प्टी। एम्प्टी एरे के केस में कभी भी डिलीट ऑपरेशन से अप्लाई करना पॉसिबल नहीं। वन मोर थिंग, इस केस में एरे का मैक्सिमम साइज 10 है, लेकिन करंट साइज क्या है, जस्ट 7। तो करंट साइज में मैनेज कर द फॉर्म ऑफ वेरिएबल एन। दूसरा पॉसिबल केस क्या है डिलीट के रिस्पेक्ट में, इफ आइटम नॉट फाउंड, सपोज दैट आपने कोई गिवन एलिमेंट प्रोवाइड किया इस केस में 100, तो 100 कहीं भी इस एरे के अंदर फाउंड ही नहीं हो रहा है, देन उस केस में अगेन डिलीट ऑपरेशंस परफॉर्म कराना पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। अगर आइटम नॉन एग्जिस्टिंग है, देन उस केस में डिलीट ऑपरेशंस पॉसिबल नहीं। वन मोर केस, अदर पॉसिबल केस क्या है जिस केस में एलिमेंट को डिलीट करना पॉसिबल नहीं होगा। थर्ड केस क्या है, इफ गिवन इज लास्ट एलिमेंट, अगर गिवन लास्ट है, देन लास्ट का कभी नेक्स्ट एलिमेंट पॉसिबल है क्या, इस केस में डिलीट क्या कराना, आफ्टर गिवन। आफ्टर गिवन मीन्स क्या, नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द गिवन। जब गिवन एलिमेंट ही लास्ट एलिमेंट, तो लास्ट के बाद कोई एलिमेंट एक्सपेक्ट करना पॉसिबल नहीं, इस केस में भी डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं। थर्ड पॉसिबल केस क्या हो जिस केस में एलिमेंट को डिलीट करना पॉसिबल नहीं, इफ गिवन इज लास्ट, इफ गिवन इज लास्ट। इन थ्री केसेस में डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं हो, जब ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो, जब सारे लॉजिक में राइट डाउन कराऊंगा इन द फॉर्म ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस, इस फंक्शन से रिटर्न क्या कराओगे, जस्ट इंडेक्स ऑफ द डिलीटेड एलिमेंट। जब एलिमेंट डिलीट ही नहीं हुआ, उस केस में आप रिटर्न क्या कराओगे, इनवैलिड इंडेक्स पोजिशन -1, जस्ट -1 क्या रिटर्न करेगा, इसके सॉरी -1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, एलिमेंट इज नॉट डिलीटेड। अगर एलिमेंट डिलीट नहीं हुआ, उस केस में आपको कभी भी एरे का साइज डिक्रीज करने की नीड होगी क्या, नहीं। अगर रिटर्न वैल्यू, इस फंक्शन का रिटर्न वैल्यू -1 है, तो उस केस में एरे के साइज में कोई भी चेंजेस परफॉर्म नहीं हो, अदरवाइज आप रिटर्न क्या कराओगे, इंडेक्स ऑफ द डिलीटेड एलिमेंट। डिलीटेड एलिमेंट का इंडेक्स सेपरेट वैल्यू मैनेज करेंगे। दूसरा केस, अगर इंडेक्स वैल्यू, अगर एलिमेंट डिलीट हुआ, देन 100% उसका इंडेक्स क्या हुआ, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अगर रिटर्न वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, देन उस केस में जस्ट परफॉर्म क्या कराओगे, एन --। नेक्स्ट वन, डिलीट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए मैं सारे के सारे लॉजिक यूजर डिफाइंड फंक्शन में प्रोवाइड करूं, लाइक अ फंक्शन नेम इज डिलीट। इस केस में फंक्शन के अंदर इनपुट क्या रिक्वायर्ड हुआ, बेस एड्रेस ऑफ एरे, करेंट साइज ऑफ एरे, करेंटली एरे का साइज क्या 7, एंड थर्ड एलिमेंट गिवन। सपोज दैट मैंने गिवन एलिमेंट प्रोवाइड किया एज अ 40, गिवन आइटम क्या 40, तो इस केस में डिलीट कौन होगा, 40 इटसेल्फ और 40 का नेक्स्ट एलिमेंट विच इज 50, क्योंकि गिवन एलिमेंट को डिलीट कराने के लॉजिक्स ऑलरेडी मैं जस्ट प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुका हूँ। क्लियर। इस केस में जस्ट डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले आपको लॉजिक क्या अप्लाई करने होंगे, डिलीट ऑपरेशन जस्ट टू स्टेप्स में फिनिश होंगे। ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया था, डिलीट ऑपरेशन इज नथिंग बट इट इज जस्ट सिंपली डेटा शिफ्ट ऑपरेशन। तो इस केस में जस्ट सबसे पहले जो भी गिवन एलिमेंट है 40 के केस में सबसे पहले परफॉर्म क्या करा हुआ, सर्चिंग। सबसे पहले 40 मैच किससे करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, अगर फर्स्ट से मैच नहीं हुआ, देन नेक्स्ट। इस टाइप से कंपैरिजन कब तक चलेगा, जब तक गिवन एलिमेंट एरे के एग्जिस्टिंग एलिमेंट से मैच नहीं हो जाता। जैसे इस केस में गिवन एलिमेंट मैच हो रहा है, प्लस गिवन का इंडेक्स फर्स्ट टाइम कंपैरिजन किस इंडेक्स से कराया था, 0 से, तो आई के अंदर क्या मैनेज करो, 0, देन इस केस में कंपेरिजन फेल हुआ। नेक्स्ट टाइम कंपेरिजन किससे करा, नेक्स्ट इंडेक्स क्या था, जस्ट 1, अगेन फेल्ड।
देन नेक्स्ट टाइम कंपेरिजन किससे करा है, नेक्स्ट इंडेक्स विच इज 2, 2 के केस में कंपेयर 40 30 से मैच हो रहा है क्या, नहीं, देन फेल्स। देन अगेन नेक्स्ट टाइम आई में इंक्रीमेंट हुआ तो आई का वैल्यू क्या 3, तो नेक्स्ट टाइम थर्ड इंडेक्स के एलिमेंट से कंपेरिजन करा, उस केस में कंपेरिजन के साथ सक्सेस, जैसे कंपेरिजन में सक्सेस फाउंड होता है इस केस में मैचिंग करना और सर्चिंग करना स्टॉप कर दो। फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, जस्ट सर्च ऑपरेशन। देन अगर एलिमेंट सक्सेसफुली सर्च हो रहा है, मीन्स जैसे ही सर्च ऑपरेशन सक्सेस होता है उस केस में इमीडिएटली, इसका मतलब क्या है, एलिमेंट फाउंड हो रहा है, देन आप चेक क्या करोगे, दिस इज दिस लास्ट एलिमेंट, अगर लास्ट एलिमेंट हुआ देन डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना पॉसिबल है क्या, नहीं। देन शिफ्ट करने से जस्ट पहले आपको सेकंड लॉजिक क्या चेक करने होंगे, दीज थ्री कंडीशन, मीन थ्री डिफरेंट डिफरेंट केसेस को टेस्ट करने के लिए सेपरेटली थ्री कंडीशन से अप्लाई करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सोर्स कोड। देन अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, देन इसका मतलब क्या है, एलिमेंट डिलीट करना पॉसिबल, अगर डिलीट करना पॉसिबल है तो उस केस में जस्ट परफॉर्म क्या हुआ, डेटा शिफ्ट ऑपरेशन। इस केस में डिलीट कौन हुआ, करंटली आई का वैल्यू क्या है 3, तो थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट डिलीट हो रहा है, फोर्थ इंडेक्स का, जस्ट आई का नेक्स्ट इंडेक्स, नेक्स्ट इंडेक्स क्या है इस केस में 50, और 50 को आप डिलीट कर दोगे चेक इट, देन एक लॉजिकली प्लेस कैसा कंसिडर होगा, जाए एम्प्टी, देन अगेन एरे के एलिमेंट्स के बिटवीन में कोई गैप नहीं होना चाहिए, इस गैप को फिलअप करने के लिए रिक्वायर क्या हो, जस्ट डेटा शिफ्ट ऑपरेशन। लेकिन इस केस में डेटा शिफ्ट ऑपरेशन ith इंडेक्स से परफॉर्म है, i+1 इंडेक्स से स्टार्ट होंगे, क्लियर। करेंटली स्पेस पर क्या था, जस्ट 50, तो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, जस्ट शिफ्टिंग। इसे डिलीट ऑपरेशन जस्ट टू स्टेप्स में फिनिश करोगे, फर्स्ट वन सर्चिंग, सेकंड वन शिफ्टिंग, क्लियर। इसके लिए जस्ट मैं सोर्स कोड प्रोवाइड कर रहा हूँ, फंक्शन के रिस्पेक्ट में रिटर्न टाइप का यूज करो, रिटर्न क्या कराओगे, डिलीटेड एलिमेंट का इंडेक्स, तो इंडेक्स क्या है, जस्ट इंटीजर वैल्यू, इसलिए रिटर्न टाइप यूज करें इंट। देन फंक्शन नेम वी आर यूजिंग एज डिलीट, डिलीट फंक्शन के केस में टोटल इनपुट्स कितने रिक्वायर्ड है, एरे का एड्रेस, एरे का करंट साइज और डिलीटेड आइटम, मीन्स थ्री आर्गुमेंट। फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में पास क्या हो रहा है, एरे का एड्रेस, इसलिए एरे के एड्रेस को होल्ड करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हो, जस्ट पॉइंटर। तो इस केस में आपको ऑलरेडी बता दें, जब भी फंक्शन पैरामीटर में एरे डिक्लेरेशन प्रोवाइड करते हैं, कन्वर्जन किस में होगा, इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर। इस केस में ए क्या है, एरे नेम और पॉइंटर नेम, पॉइंटर नेम। सेकेंड केस में पास क्या हो रहा है, एरे का साइज, थर्ड एलिमेंट पास क्या हुआ, गिवन आइटम, क्लियर, गिवन आइटम। नेक्स्ट वन, फर्स्ट केस परफॉर्म क्या करो, वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जस्ट इसे एरे के केस में सर्चिंग और शिफ्टिंग ऑपरेशंस लूपिंग के फॉर्म में परफॉर्म करेंगे, लूप को मैनेज करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हो, इटरेटिव वेरिएबल आई, इंट आई। देन जैसे ही एलिमेंट मैच होता है थ्री, इस केस में एलिमेंट किस प्लेस पर फाउंड हुआ, थर्ड इंडेक्स, तो इसे इंडेक्स को सेव करने, मीन्स फाइनली जब ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाए तो आप रिटर्न क्या कराओगे, आइदर -1 और 3 इन दैट केस, तो इस केस में जस्ट इसको सेव करने, मीन्स बाद में वाई तो मॉडिफाई हो जाएगा जब आप शिफ्ट ऑपरेशन अप्लाई करोगे, इसलिए आई के करंट वैल्यू को प्रिजर्व करने के लिए आप सेपरेट वैल्यू यूज कर सकते हो, जस्ट इंडेक्स। तो इस केस में वेरिएबल नेम यूज करें एज अ इंडेक्स, इंडेक्स में क्या आसान कराएंगे, इनिशियली मैं इसमें आसान क्या करता हूँ, इनवैलिड इंडेक्स पोजिशन -1। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट और नेक्स्ट ऑपरेशन क्या रहेगा, सर्च ऑपरेशन, बिफोर परफॉर्मिंग एनी चेकिंग, सबसे पहले आप सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, अगर एलिमेंट फाउंड हुई सर्च ऑपरेशन के बाद ही तो पता करना पॉसिबल होगा एलिमेंट फाउंड हुआ है कि नहीं हुआ है, सर्च ऑपरेशन बाद ही फाउंड आउट करना पॉसिबल होगा, सर्च मीन्स गिवन एलिमेंट लास्ट है और अदर एलिमेंट है, क्लियर, लाइक दैट। तो इसके साथ सर्च ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जस्ट परफॉर्म क्या कराएंगे, फोर लूप, फोर सर्चिंग के सिंडेक्स, मीन्स सर्चिंग मीन्स वन बाई वन गिवन एलिमेंट को मैच किससे करा हुए, ए ऑफ आई, और आई के केस में स्टार्टिंग किस प्लेस कराएंगे, फ्रॉम जीरो, क्लियर। मीन्स इस पर्टिकुलर लॉजिक को मैं साथ में एग्जीक्यूशन भी बताऊंगा इसका यूजिंग डायग्राम। सपोज दैट दिस इज द एग्जिस्टिंग एरे, क्लियर, स्टार्ट से आपके पास कोई एरे गिवन, एरे का करंट साइज क्या, करंटली नंबर ऑफ अवेलेबल एलिमेंट्स कितने, 7, प्लस इस केस में फंक्शन को कॉल करने में आइटम का वैल्यू क्या पास हो रहा है, जस्ट 40, तो इस केस में एक एक्स्ट्रा वेरिएबल क्रिएट होगा जस्ट आइटम, और आइटम का वैल्यू क्या पास हो रहा है, जस्ट 40, प्लस इसे एरे का एड्रेस किस में शामिल हो चुका है, पॉइंटर वैल्यू ए, और एन के केस में ये एन किसका है, जस्ट अदर कॉलिंग प्लेस का, लेकिन इस केस में जब सॉरी साइज आपने 7 पास किया तो एन में क्या शामिल हो जाएगा, जस्ट 7। देन आइटम के रिस्पेक्ट बात करें, सॉरी इसके अलावा अदर वैल्यूज क्या क्रिएट हुए हैं, इटरेटिव वेरिएबल आई एंड इंडेक्स को मैनेज करने के लिए जस्ट वेरिएबल क्या क्रिएट हो रहा है, इंडेक्स, इंडेक्स में क्या शामिल कराओ, जस्ट सर्चिंग एलिमेंट का इंडेक्स और डिलीटेड एलिमेंट का इंडेक्स, क्लियर। नेक्स्ट वन, आई के केस में इनिशियलाइजेशन क्या हो जाएगा, 0, आई क्वेश्चन 0, लूप कब तक चलाना, मीन्स आपको कंपेरिजन कब तक परफॉर्म करना है, टिल द एंड ऑफ एरे, एंड एलिमेंट क्या, 7, मीन्स कब तक चलाना, आई लेस देन 7, मीन्स आई लेस देन एन,
आई प्लस प्लस, देन इस केस में अप्लाई क्या करेंगे, जस्ट इफ कंडीशन, इफ कंडीशन को टेस्ट करोगे, इफ वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई, ए ऑफ आई मीन्स करेंट एलिमेंट ऑफ द एरे, अगर ए ऑफ आई का वैल्यू आइटम से मैच होता है इमीडिएटली सर्चिंग ऑपरेशन आप स्टॉप करोगे, क्योंकि फर्दर आपको सर्च करने की नीड नहीं होगी, इसलिए लूप का एग्जीक्यूशन फिनिश करने के लिए इसका करें ब्रेक स्टेटमेंट। इसका पहले मैं आपको एग्जीक्यूशन शो कर रहा हूँ, करेंटली इंडेक्स का वैल्यू क्या है माइनस वन, क्लियर। नेक्स्ट वन, आई में निचलाइज क्या हो जाएगा जीरो, कंडीशन क्या है आई लेस देन एन, एन का वैल्यू क्या है सेवन और आई का वैल्यू क्या है जीरो, जीरो लेस देन सेवन कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है देन इफ कंडीशन टेस्ट हुआ और इफ कंडीशन क्या है जस्ट ए ऑफ आई इक्वल इक्वल आइटम, आइटम क्या पास हुआ जस्ट 40, तो आइटम के लिए इसमें डायरेक्टली क्या पुट करो 40, लेकिन ए ऑफ आई बार बार चेंज होगा, आई का वैल्यू क्या करंटली जीरो और ए ऑफ जीरो में क्या फाउंड हो रहा है 10, फर्स्ट टाइम मैचिंग या कंपेरिजन किसके लिए हुआ 10 के लिए, 10 40 से मैच हो रहा है क्या नहीं, देन नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी करंटली 1, अगेन कंडीशन टेस्टिंग फॉर लूप के केस में 1 लेस देन सेम कंडीशन ट्रू, देन इफ कंडीशन टेस्ट हुआ इफ के अंदर ए ऑफ 1 में क्या फाउंड हो रहा है 20, तो नेक्स्ट टाइम ए ऑफ आई के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा 20, लेकिन गिवन आइटम फिक्स्ड है 40, अगेन कंडीशन फॉल्स, अगेन आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस हो तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ए ऑफ 2 सेकंड इंडेक्स में क्या फाउंड हो रहा है 30, तो 30 कंपेयर किससे होगा 40 से, अगेन नॉट मैच मीन्स बिगनिंग 3 में 3 एलिमेंट्स कंपेयर हो चुके हैं, नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस हो तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट 3, नेक्स्ट टाइम फोर लूप के केस में कंडीशन क्या है 2 लेस देन सेवन, प्रीवियस कंडीशन चेक हो चुका था, देन करंट वैल्यू क्या आएगा 3, 3 लेस देन सेवन कंडीशन इज ट्रू, ट्रू है देन अगेन ए ऑफ आई, ए ऑफ 3 में क्या फाउंड हो रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए ऑफ 3 40, 40 इक्वल इक्वल 40, इज दिस कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ट्रू, ट्रू है देन कंट्रोल कहाँ जाएगा इन साइड बॉडी ऑफ इफ, और इफ के अंदर फाउंड क्या हो रहा है ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक से कंट्रोल कहाँ जाएगा आउट साइड बॉडी ऑफ दिस लूप, मीन्स इस लूप का मेन पर्पज क्या था, डिलीटेड एलिमेंट सॉरी गिवन एलिमेंट को सर्च करना और गिवन एलिमेंट के इंडेक्स को सर्च करना, तो गिवन एलिमेंट क्या है इसके इसमें 40, 40 किस इंडेक्स में फाउंड हो रहा 3 और ये इंडेक्स अवेलेबल किसके पास है आई के पास, तो इमीडिएटली ऑपरेशन परफॉर्म कराने के बाद मीन्स जस्ट जब डिलीट ऑपरेशन कंप्लीट होंगे तो आप रिटर्न क्या कराओगे सेम इंडेक्स, तो इस इंडेक्स को सर्चिंग एलिमेंट के इंडेक्स को आसानी किस में करा लेंगे वेरिएबल इंडेक्स में, तो इंडेक्स में न्यू वैल्यू क्या आसान हो जाएगा जस्ट इंडेक्स इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आई, इंडेक्स में क्या आसान हो जाएगा वैल्यू ऑफ आई, क्लियर, आई का वैल्यू करेंटली क्या है 3, तो इंडेक्स में भी क्या आसान होगा ऑल्सो 3, आप चाहो तो इसके इसमें कोई भी वैल्यू आसान ना करो तभी भी इससे कोई ये मीनिंगलेस था। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद आप चेक क्या करोगे डायरेक्टली आप शिफ्टिंग ऑपरेशन मीन सर्च ऑपरेशन कंप्लीट हो चुके हैं, देन सर्च ऑपरेशन के केस में सर्च ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद आपके पास 3 पॉसिबल केस होंगे, आइदर मे बी एरे इज एम्प्टी, मे बी एलिमेंट नॉट फाउंड, मे बी एलिमेंट इज अ लास्ट एलिमेंट मीन्स डिलीटेड इज अ लास्ट एलिमेंट, तो इस केस में जस्ट 3 कंडीशन चेक करो, अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है देन आप डायरेक्टली क्या रिटर्न करा दो माइनस वन मीन्स विदाउट परफॉर्मिंग एनी शिफ्ट ऑपरेशन, क्योंकि उस केस में आपको डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं, तो इस केस में जस्ट 3 कंडीशन चेक करने के लिए अप्लाई करेंगे इफ, तो इफ के केस में फर्स्ट कंडीशन एम्प्टी कंडीशन क्या होगा, अगर एरे एम्प्टी है देन उस केस में इसका लेंथ क्या होगा साइज क्या होगा जस्ट 0, एन का वैल्यू क्या होगा इस केस में 0, अगर एन का वैल्यू 0 है एन जस्ट रिप्रेजेंट क्या करेगा करेंट साइज ऑफ एरे, अगर एरे के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है उस केस में एन का वैल्यू क्या रहेगा जस्ट 0, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड देन फर्स्ट कंडीशन ट्रू में सारे कंडीशन ट्रू होना चाहिए एनी वन, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है देन माइनस वन, इसलिए मल्टीपल 3 कंडीशन कंबाइंड किससे कराएंगे लॉजिकल और ऑपरेटर, सेकेंड कंडीशन इफ एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट अगर फाउंड नहीं हो रहा है देन ये थर्ड मीन थर्ड इंडेक्स से भी मैच नहीं हुआ, 4 से भी मैच नहीं हुआ, 5 से भी मैच नहीं हुआ, 6 से भी मैच नहीं हुआ, प्लस फोर लूप का कंडीशन क्या था I लेस देन n, n का वैल्यू क्या था 7, जैसे इस केस में I का वैल्यू अगर 6 है उस केस में कंडीशन 2 है देन अगेन I प्लस प्लस होगा तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, 7 लेस देन 7 मीन्स कंडीशन फॉल्स, इसका मतलब मीन्स I का वैल्यू 7 कब होगा अगर करेंटली एलिमेंट गिवन आइटम किसी भी एलिमेंट से मैच नहीं हुआ है, जब कंट्रोल बाहर आएगा उस केस में I का वैल्यू क्या होगा 7, अगर I का वैल्यू n के इक्वल है, I का वैल्यू भी 7 है और n का वैल्यू भी 7 है, अगर I और n दोनों के वैल्यू सेम है इसका मतलब क्या है आइटम फाउंड नहीं हुआ, दिस इज द सेकंड कंडीशन इफ नॉट फाउंड, अगर आइटम फाउंड नहीं हो रहा है उस केस में लूप के बाहर I और n दोनों के वैल्यू कैसे होंगे एग्जैक्टली सेम, थर्ड केस क्या है इफ वो डिलीटेड इज अ लास्ट एलिमेंट, तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या था इस केस में 6,
सपोज दैट आपने 70 पास किया, 40 के प्लेस पर सप्लाई क्या किया 70, और 70 मीन्स फाउंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, फाउंड हो रहा है, लेकिन 70 का इंडेक्स क्या है 6, तो इस केस में आई का वैल्यू क्या रहा होगा समथिंग 6, अगर आई का वैल्यू 6 है, 6 मीन्स इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट, और लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है n माइनस 1, अगर आई का वैल्यू या तो n के इक्वल है या फिर n माइनस 1 के इक्वल है, इन दोनों ही केसेस में डिलीट करना पॉसिबल है क्या, नहीं, तो इस केस में दोनों ही दोनों नेक्स्ट टाइम कंडीशन क्या रहेगा, जस्ट i इक्वल इक्वल n माइनस 1, तो इस केस में दोनों ही कंडीशन को सिंगल में कंबाइन कर सकते हो, अगर i का वैल्यू या तो n माइनस 1 के इक्वल है या फिर n माइनस 1 के बराबर है, इसमें दोनों ही कंडीशन कंबाइंड हो जाए, तो इस केस में इन दोनों कंडीशन को सिंगल प्लेस से रिप्लेस कर सकते हो, आप चाहो तो दोनों कंडीशन राइट करो या फिर सिंगल कंडीशन में कन्वर्ट कर सकते हो, लाइक दैट आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन माइनस वन, क्लियर। इस केस में इसका मीनिंग क्या है, सपोज दैट लास्ट इंडेक्स क्या है 6, उससे मीन्स आई का एन का वैल्यू क्या 7, 7 माइनस 1 इज 6, और आई का वैल्यू अगर 6 है देन 6 ग्रेटर देन इक्वल 6 कंडीशन ट्रू, तो इसका मतलब क्या है, इस दिस इज द लास्ट एलिमेंट, देन डिलीट करना पॉसिबल होगा। दूसरा पॉसिबल केस क्या है, अगर एलिमेंट फाउंड ही नहीं हो रहा है, उस केस में आई का वैल्यू क्या हुआ 7 और n माइनस 1 क्या 6, इस केस में क्या कंडीशन इज ट्रू, 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 कंडीशन ट्रू, मीन्स दोनों ही केस में वर्क करेगा, मीन्स इससे सारे के सारे कंडीशन कवर हो रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट वन, अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन, आप सेपरेटली दोनों ही कंडीशन राइट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट वन, इस पर्टिकुलर केस में आप इमीडिएटली रिटर्न क्या करा हो, रिटर्न माइनस वन, क्लियर, डायरेक्टली क्या रिटर्न हो जाएगा माइनस वन, अगर कॉलिंग प्लेस पर माइनस वन सेंड हुआ इसका मतलब कोई भी डिलीट ऑपरेशन अप्लाई नहीं हुआ। नेक्स्ट वन, अगर एक कंडीशन फॉल्स है, करंट केस में चेक करो, आई का वैल्यू का जस्ट पास क्या किया था 40, 40 के रिस्पेक्ट में 40 का इंडेक्स क्या है 3, आइटम फाउंड आई का वैल्यू क्या 3, चेक करो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या, नहीं, एन का वैल्यू क्या 7, 7 इक्वल इक्वल 0 फॉल्स, आई का वैल्यू क्या 3, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 कंडीशन फॉल्स, दोनों ही फॉल्स है, देन आप अप्लाई क्या करोगे इसके जस्ट बाद, अप्लाइंग डेटा शिफ्टिंग, तो डेटा शिफ्टिंग के रिस्पेक्ट में चेक करो जस्ट आपको शिफ्टिंग किसके लिए कराना है, मीन्स इसके इसमें डिलीट किया हुआ 40 और आफ्टर गिवन, गिवन क्या था 40, तो गिवन के बाद वाले एलिमेंट को डिलीट करवाना मीन्स 50 को, जस्ट 50 जब डिलीट हो जाएगा तो 50 के प्लेस पर प्लेस लॉजिकली कैसा हुआ एम्प्टी, इस प्लेस पर शिफ्ट क्या कराएंगे नेक्स्ट एलिमेंट, मीन्स 5 इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी किसमें हुआ 4 में, तो इस प्लेस पर जस्ट क्या जाएगा 60। नेक्स्ट वन, सेम 60 कॉपी हो चुका है, 60 का प्लेस लॉजिकली कैसा है एम्प्टी, तो 60 के प्लेस पर जस्ट शिफ्ट किसको हो रहा हुआ 70, 70 का इंडेक्स क्या 6, कॉपी किस इंडेक्स में हुआ 5 में, देन 70 प्लेस पर आ जाएगा, देन 70 प्लेस लॉजिकली कैसा है एम्प्टी, मीन्स वन एलिमेंट डिलीट करने के बाद अब एम्प्टी प्लेस कितने 4, जबकि प्रीवियस केस में एम्प्टी प्लेस कितने थे ओनली 3, इस केस में फील्ड पोजीशन कितने ओनली 6, जबकि प्रीवियस केस में फील्ड पोजीशन कितने थे 7, क्लियर। नेक्स्ट वन, इस केस में जस्ट शिफ्टिंग कराने के लिए जस्ट आप स्टार्टिंग कैसे करोगे i और i प्लस 1, फ्रॉम i प्लस 1, तो इस केस में जस्ट शिफ्टिंग कराने के लिए i के केस में करंट वैल्यू 3 है, लेकिन आपको रिक्वायर्ड क्या है नेक्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स, तो नेक्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स कब मिलेगा जब i में आप 1 से इंक्रीमेंट कराओ, इसे एलिमेंट क्या था 50 60 70, दिस था प्रीवियस केस, मीन्स इस केस में आई के केस में शिफ्टिंग सबसे पहले किस में करा हुआ है 4 में, मीन्स 4 क्या है मीन्स आई का वैल्यू क्या 3, ये प्लेस क्या हुआ आई प्लस 1, तो इस केस में जस्ट शिफ्टिंग से पहले रिक्वायर्ड क्या हुआ आई प्लस प्लस, इस प्लेस में जस्ट राइट डाउन क्या करेंगे आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट 4, क्लियर। अब इस प्लेस को आप नेम दोगे आई, दिस वन बिकम्स आई प्लस 1, कंडीशन क्या हुआ इस केस में जस्ट अभी राइट डाउन करेंगे, कंडीशन के रिस्पेक्ट में आई का वैल्यू क्या 4, देन कब तक चला हुआ जब तक आई का वैल्यू एन माइनस 1 से छोटा, एन का वैल्यू क्या 7, 7 माइनस 1 इज 6, जब तक आई का वैल्यू 6 से छोटा, फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या है 4, नेक्स्ट टाइम 5, 4 भी 6 से छोटा है 5 भी 6 से छोटा, नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट होगा तो आई का वैल्यू 6 हो जाएगा, उसके इसमें फॉल्स हो जाएगा, क्लियर। तो कंडीशन क्या राइट डाउन करें आई लेस देन एन माइनस 1। नेक्स्ट केस, एवरी टाइम आई के रिस्पेक्ट में परफॉर्म क्या हुआ इंक्रीमेंट, देन असाइनमेंट किस में हो रहा है ए ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ आई प्लस 1, इस पर्टिकुलर लूप से परफॉर्म क्या हो रहा है डेटा शिफ्टिंग ऑपरेशन, अप्लाई क्या हो रहा है इससे डेटा शिफ्ट ऑपरेशन, फर्स्ट लूप से परफॉर्म क्या हुआ था सर्च ऑपरेशन, और लास्ट केस में लूप से परफॉर्म क्या हो रहा है डेटा शिफ्टिंग ऑपरेशन, मीन्स डिलीट ऑपरेशन जस्ट टू स्टेप्स में डिवाइडेड थे, इस लूप का मैं एग्जीक्यूशन शो कर रहा हूँ आपको। करेंटली आई की बात करें तो आई का प्रीवियस केस में वैल्यू क्या था जस्ट 3, करेंट वैल्यू इज 3, 3 होने के बाद जब आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4,
फोर के केस में कंडीशन टेस्ट करें, आई लेस देन एन माइनस वन, एन का वैल्यू क्या करेंटली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, सेवन, सेवन माइनस वन इज सिक्स, आई का करंट वैल्यू क्या कंपेरिजन के लिए फोर, फोर लेस देन सिक्स, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है देन आई के प्लेस पर क्या आएगा, आई का वैल्यू फोर, फोर प्लस वन बिकम्स फाइव, तो फिफ्थ इंडेक्स का एलिमेंट आसानी के समझ आया फोर्थ इंडेक्स में, फोर्थ इंडेक्स में एग्जिस्टिंग एलिमेंट क्या है फिफ्टी, अब फिफ्टी इज रिप्लेस्ड बाई सिक्सटी, ये सिक्सटी प्लेस पर कॉपी हो चुका था, देन सिफ्टी का, सिक्सटी का एग्जिस्टिंग प्लेस कंसिडर हुआ जा एम टी, लॉजिकली एम टी, नेक्स्ट टाइम याद रखना कॉपी करने से 60 डिलीट नहीं हो जाएगा, 60 फिजिकली अभी भी उसी प्लेस पर होगा, केवल आपको अंडरस्टैंड करने के लिए इस टाइप से प्लेस को लॉजिकली कंसीडर कर रहा हूँ एज ए एम्प्टी प्लेस, नेक्स्ट टाइम से एम्प्टी प्लेस पर अगेन मूव क्या करो, नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट के रिस्पेक्ट अगेन कंट्रोल करना है आई प्लस प्लस, नाउ आई बिकम्स फाइव, आई का वैल्यू फाइव हुआ देन अगेन कंडीशन टेस्टिंग फाइव लेस देन सिक्स, फुल लूप का कंडीशन कैसा ट्रू, देन आई के प्लेस पर क्या आएगा फाइव, आई प्लस वन के प्लेस पर क्या जाएगा सिक्स, देन सिक्स इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी किसमें होगा फिफ्थ में, सिक्स इंडेक्स में क्या फॉर्मूला सेवेंटी, अब सेवेंटी इज कॉपी, देन सेवेंटी का करंट प्लेस अब लॉजिकली कैसा है एम्प्टी, क्योंकि सेवेंटी ऑलरेडी प्रीवियस प्लेस पर कॉपी हो चुका है, क्लियर, नेक्स्ट वन आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाए सिक्स, फोर लूप में कंडीशन टेस्ट करेंगे सिक्स लेस देन सिक्स, क्योंकि कंडीशन क्या था इसके इसमें दैट वन, सिक्स लेस देन सिक्स कंडीशन बिकम फॉल्स, चेक करो फॉल्स होने से पहले एरे के सारे एलिमेंट प्रॉपर प्लेस पर शिफ्ट हो चुके हैं, क्लियर, देन इसके जस्ट वाले जब कंट्रोल लूप से बाहर आएगा देन आप रिटर्न क्या कराओगे, इंडेक्स ऑफ द डिलीटेड एलिमेंट, चेक करो करंटली आई का वैल्यू क्या है सिक्स, क्या सिक्स इंडेक्स का एलिमेंट डिलीट कराया नहीं, डिलीट कौन सा इंडेक्स हुआ था फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट, क्योंकि इसके साथ डिलीट कौन हुआ है फिफ्टी, और फिफ्टी का इंडेक्स क्या था जस्ट फोर, लेकिन फोर अभी आपके पास कहीं भी अवेलेबल है क्या, नहीं, मीसेज जस्ट फोर के केस में मैंने प्रीवियस केस में इस प्लेस पर ऑलरेडी इंडेक्स में कॉपी क्या किया था आई, तो आई का उस केस में वैल्यू क्या था थ्री, लेकिन आपको रियल में आई कॉपी करने की जरूरत है आई प्लस वन, क्योंकि डिलीट कौन हुआ है आई थे इंडेक्स एलिमेंट और आई प्लस वन इंडेक्स, आई प्लस वन इंडेक्स, तो इस प्लेस पर आई यूज ना करें, यूज क्या करेंगे आई प्लस वन, उस टाइम पर आई का वैल्यू थ्री था, थ्री प्लस वन क्या होगा फोर, तो फोर आपके पास अभी भी करंटली अवेलेबल किस वेरिएबल में, इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल इंडेक्स, जो कि मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया था, तो इसलिए लूप के जस्ट बाहर एंड प्लेस पर आप रिटर्न क्या कराओगे, रिटर्न इंडेक्स ऑफ द रिमूव्ड आइटम्स, इस केस में इंडेक्स का वैल्यू फोर है इसलिए कॉलिंग प्लेस पर रिटर्न क्या हुआ जस्ट फोर, क्लियर, नेक्स्ट वन अभी मैंने सिंपली लॉजिक्स प्रोवाइड किए इन द फॉर्म ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, लेकिन इस फंक्शन को टेस्ट करने के लिए यूज क्या करूँ मेन फंक्शन, मेन के मैं जस्ट आपको स्टेप्स मेंशन कर रहा हूँ, मेन के स्टेप मैंने जितने भी डिलीट ऑपरेशन बताए सभी केस में एग्जैक्टली से मेन फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं, ओनली चेंज केस में करूँगा एवरी टाइम लॉजिक ऑफ द डिलीट फंक्शंस, तो मेन के रिस्पेक्ट में अगेन सेम स्टेप्स हैं, अगर आप प्रीवियस सेशन में प्रीवियस डिलीट ऑपरेशन की वीडियो वॉच कर चुके हैं आपको इस प्लेस से कंटिन्यू करने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि सेम ऑपरेशन अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मेन के रिस्पेक्ट में फर्स्ट केस क्या रहेगा प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस, सेकेंड स्टेप क्या होगा जस्ट रीडिंग इनपुट्स, इनपुट रीड जिम्मी से जब तक आपके पास कोई इनपुट ही नहीं हुआ तो प्रोग्राम को कंटिन्यू करना पॉसिबल ही नहीं, थर्ड स्टेप क्या इनपुट रीड करने के बाद अप्लाइंग लॉजिक्स, मीन्स लॉजिक कौन से अप्लाई करो डिपेंड करेगा करंटली आप किस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हो, फोर्थ केस डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स और आउटपुट, क्लियर, डिस्प्लेइंग रिजल्ट और आउटपुट, नेक्स्ट केस इसके जस्ट बाद आपको परफॉर्म क्या कराना है मीन्स दीज स्टेप फॉलो करना, तो डिक्लेरेशन के रिस्पेक्ट में बात करें इन केस ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो टोटल इस केस में कितने वेरिएबल डिक्लेयर करने नीड है, एरे ए एरे का साइज मैनेज करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ एन, प्लस एरे के एलिमेंट को इटरेट करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ इंडेक्स वेरिएबल आई इन द फॉर्म ऑफ लूप, देन इसके अलावा अदर वेरिएबल के रिक्वायर्ड है, आप जैसे एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हो वो आइटम पास करोगे, आइटम के केस में एक्स्ट्रा वेरिएबल का रिक्वायर्ड होगा मेन के अंदर जस्ट आइटम, तो टोटल कितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है फोर वेरिएबल डिक्लेरेशन एरे देन साइज एन, एन से क्या रिप्रेजेंट हुआ जस्ट करेंट साइज, इसके अलावा नेक्स्ट एलिमेंट क्या रिक्वायर्ड है इस केस में जस्ट इटरेटिव वेरिएबल आई, आई के जस्ट बाद नेक्स्ट केस जस्ट रिमूव्ड आइटम सॉरी गिवन आइटम, टोटल फोर वेरिएबल डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड होंगे जो कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस एग्जांपल्स में प्रोवाइड किए थे, सेम डेटा है वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद देन रीडिंग इनपुट्स, तो इनपुट में सबसे पहले रीड क्या करोगे करेंट साइज ऑफ एरे और इनिशियल साइज ऑफ एरे, और इनिशियल साइज किससे रिप्रेजेंट हो रहा है एन से, तो स्कैनएफ के थ्रू वैल्यू किसके लिए रीड कराएंगे पहले एन के लिए, तभी तो आपके लिए फाइंड आउट करना पॉसिबल करेंटली एरे के लिए कितने एलिमेंट्स रीड करने की रिक्वायरमेंट है, तो इस केस में एन का वैल्यू रीड करने के लिए मैंने प्रोवाइड कर दिया स्कैनएफ, इससे जस्ट पहले मैंने डिस्प्ले कराया मैसेज एंटर साइज, क्लियर,
नेक्स्ट वन, एक बार आपके पास एन का वैल्यू आ गया देना आपके लिए एरे के लिए एलिमेंट्स रीड करना पॉसिबल। तो अगर एन का वैल्यू 7 एंटर किया है एरे के लिए कितने एलिमेंट्स रीड करने की रिक्वायरमेंट होगी, जस्ट 7 एलिमेंट्स। सपोज दैट मैंने इस केस में एरे के लिए एलिमेंट्स एंटर किए 10 to 70। क्लियर। नेक्स्ट आप रीड क्या करोगे, एन आइटम्स फॉर गिवन एरे। तो एरे के लिए एन आइटम रीड करने के लिए जस्ट मैंने हेल्प किसका लिया है, फॉर लूप। इस पर्टिकुलर केस में लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, फ्रॉम 0 to n, n-1 प्लस एवरी टाइम स्कैन एफ एग्जीक्यूट हो तो स्कैन एफ के थ्रू वैल्यू किसके लिए रीड होगा, ए ऑफ आईथ एलिमेंट। क्लियर। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, रीड के जस्ट बाद मिस अभी तक कितने इनपुट रीड हुए, एन और एरे एलिमेंट्स। नेक्स्ट टाइम इसके बाद वो एलिमेंट डिलीट करो सॉरी एंटर करा हुए जिसके बाद वाले एलिमेंट को आप डिलीट कराना चाहते हो, मिस गिवन आइटम। जब तक आप गिवन नंबर एंटर नहीं करो आपको पता कैसे चलेगा किस नंबर के बाद वाले एलिमेंट को डिलीट कराना। तो अगेन वन मोर इनपुट क्या रिक्वायर्ड हुआ, रीडिंग वैल्यूज फॉर आइटम। तो थर्ड केस में मिस एरे के एलिमेंट रीड करने के बाद रीड क्या करोगे, वैल्यूज फॉर आइटम। क्लियर। नेक्स्ट वन, अप्लाइंग लॉजिक्स। लॉजिक के रिस्पेक्ट में परफॉर्म क्या कराना, डिलीटिंग गिवन आइटम और एलिमेंट को डिलीट करने के लॉजिक ऑलरेडी मैंने सेपरेटली असाइन कर रखे हैं इनसाइड यूजर डिफाइंड फंक्शन एज डिलीट। क्लियर। जब भी आपको डिलीट ऑपरेशन रिक्वायर्ड हो, डिलीट आफ्टर गिवन एलिमेंट, देन उसके साथ आपको लॉजिक्स आइटम करने की जरूरत नहीं, सिंपली आप कॉल क्या कर लो, दिस डिलीट फंक्शंस। इसे इंपॉर्टेंट केस क्या था, इस पूरे प्रोग्राम के अंदर ओनली लॉजिक ऑफ द डिलीट ऑपरेशन, बाकी सारे स्टेप्स कैसे हैं, प्री डिफाइंड। नेक्स्ट वन, जहाँ भी आपको डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कराना उस प्लेस पर कॉल क्या करो, हुई डिलीट। लेकिन डिलीट फंक्शन को कॉल किया इसका मतलब ये नहीं कि आइटम डिलीट हो ही चुका हुआ, आइटम डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ डिपेंड किस पर करेगा, डिपेंड्स अपॉन रिटर्न वैल्यू ऑफ डिलीट। मीन्स डिलीट से रिटर्न क्या हुआ, आइदर -1 और इंडेक्स ऑफ द डिलीटेड एलिमेंट। अगर डिलीट वैल्यू डिलीट फंक्शन ने अगर -1 रिटर्न किया इसका मतलब क्या है, कोई भी डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ इन दैट केस। क्लियर, देयर इज नो डिलीट ऑपरेशंस, अदरवाइज रिटर्न क्या हुआ, इंडेक्स। तो इस केस में डिलीट फंक्शन डायरेक्टली कॉल न करके कॉल करोगे इनसाइड इफ, इफ के अंदर इसका वैल्यू चेक करो रिटर्न वैल्यू का, रिटर्न वैल्यू -1 नहीं है, देन इसका मतलब क्या है, डिलीट ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म हुए। अगर सक्सेसफुली परफॉर्म हुए देन एरे का साइज 100% 1 से लेस हो चुका होगा, जैसे इस केस में 50 डिलीट होने के बाद एलिमेंट्स क्या बचे 60 and 70। तो प्रीवियस केस में एरे का करंट साइज क्या था 7, करंटली डिलीट होने के बाद एरे का साइज क्या 6। तो इसके जस्ट बाद अगर सक्सेसफुली ये ऑपरेशन सक्सेस परफॉर्म हुआ है देन आपको एरे का साइज जस्ट 1 से डिक्रीज करने नीड होगी, मीन्स n-, n का वैल्यू 7 है तो डिलीट होने के बाद n का वैल्यू क्या हो जाए जस्ट 6। तो नेक्स्ट केस में जस्ट लॉजिक के रिस्पेक्ट में इफ कंडीशन के अंदर कॉल क्या किया है, डिलीट फंक्शन इसका जो भी रिटर्न वैल्यू इसको कंपेयर किससे करा है -1 से। अगर रिटर्न वैल्यू -1 के इक्वल नहीं है देन उस केस में परफॉर्म क्या हुआ, n-1, n का वैल्यू क्या था 7, 7-1 = 6। क्लियर। अगर सपोज दैट इससे डिलीट फंक्शन से रिटर्न क्या हुआ है जस्ट -1 रिटर्न हुआ देन -1 ≠ -1 कंडीशन फॉल्स, देन उस केस में साइज रिड्यूस करने नीड है क्या, नहीं। इसके जस्ट बाद फाइनली केस क्या है, मीन्स जो भी आपने लॉजिक से अप्लाई किए सारे के सारे ऑपरेशन एरे के रिस्पेक्ट में परफॉर्म हुए, तो आपके रिजल्ट्स भी किसके पास हैं, एरे के अंदर रह जाए एरे एलिमेंट। नेक्स्ट वन, रियल में एलिमेंट सक्सेसफुली रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ है देन इन चेंजेस को चेक करने के लिए जस्ट डिस्प्ले क्या करा, वो एलिमेंट ऑफ द एरे। तो इसके इसमें रिजल्ट डिस्प्ले कराने मतलब क्या, एरे के एलिमेंट डिस्प्ले कराना, और डिस्प्ले कराने के लिए अगेन यूज किया गया फॉर लूप। लूप कहाँ से कहाँ तक चला, फ्रॉम 0 to n-1 देन एवरी टाइम प्रिंट एफ से डिस्प्ले किया जाएगा करंट वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई। तो इसके इसमें करंटली एरे में क्या फाउंड हो रहा है 10, 20, 30, 40, 60, 70। क्लियर। देन आउटपुट में क्या डिस्प्ले हुआ, सेम एरे एलिमेंट। जस्ट नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूँ हाउ टू डिलीटिंग बिफोर गिवन।